सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। रामबन नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन टनल का हिस्सा ढहा, करीब 10 मजदूर मलबे में दबे, बचाव कार्य जारी। बिहार में तेज आंधी का कहर, यूपी में बारिश के आसार, दिल्ली में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। छह राज्यों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का 72,000 करोड़ का बकाया, विद्युत मंत्रालय के सचिव ने लिखा पत्र। सत्ताईस महीने के बाद जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान, दोनों बेटों ने किया स्वागत। जेल के बाहर सपा नेता आजम खान का हुआ जोरदार स्वागत, सामने आई पहली तस्वीर, अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर हमला, बोले इन्होंने चंद पूंजीपति घरानों के पास बंधक बना दी अर्थव्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत मिलने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान जेल से रिहा, रिहाई के समय शिवपाल यादव रहे साथ में मौजूद। 812 दिन बाद जेल से रिहा हुए आजम खान, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दी बधाई, बोले झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार की बड़ी मुश्किल, योगी सरकार ने की बर्खास्त करने की केंद्र से सिफारिश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एक साल के अंदर बुंदेलखंड की 20 नदियों सहित प्रदेश की 61 नदियों का मनरेगा से होगा पुनरुद्धार। बोइंग ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए स्टार लाइनर कैप्सूल को किया लॉन्च, कई सालों बाद मिल सकती है सफलता। अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी ने रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से की बातचीत, सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत कोरोना महामारी के दौरान भी सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस के साथ खड़ा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान और उत्तर कोरिया की यात्रा पर हुए रवाना, क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दी चेतावनी, मोल्दोवा को सावधान रहने की दी सलाह। गुजरात को हराकर आरसीबी ने जिंदा रखी प्लेऑफ की उम्मीदें, आईपीएल 2022 में खत्म हुआ पंजाब हैदराबाद का सफर। आरसीबी के लिए 7,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने विराट कोहली, चेंज करते हुए 3,000 रन का आंकड़ा छुआ। गेंदबाज से टकरा गए विराट कोहली और फिर मैदान पर ही लेट गए, थम गई सबकी सांसें। गुजरात टाइटंस के मैथ्यू वेट को पवेलियन में गुस्सा दिखाना पड़ा महंगा, आईपीएल कोर्ट ऑफ कंडक्ट में पाए गए दोषी। गुजरात के खिलाफ कोहली ने बनाया लगातार दूसरा अर्धशतक, आखिरी मैच में दिखाया दम। रेड कार्पेट पर छाई ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण, स्टर्निंग लुक से की ट्रोलर्स की बोलती बंद। नेटफ्लिक्स ने बदला प्लान, हिंदी में आ जाएगी फिल्म आरआरआर, Z5 पर भी दक्षिण भारतीय वर्जन हुआ मुफ्त। आश्रम थ्री के बाद अदिति पोहनकर की वेब सीरीज शी के दूसरे सीजन की रिलीज डेट का ऐलान, 17 जून को प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा स्ट्रीम। सोनू निगम ने दिया विवादित बयान,
अजान के बाद अब नवरात्रि को लेकर कहा कोई भक्त नहीं है जो कहे कि जय श्री राम कह लो। मम्मी ऐश्वर्या संग पार्टी में अलग अंदाज में नजर आई आराध्या, हॉलीवुड एक्ट्रेस ईवा लोंगोरिया को लगाया गले। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।